Aruki, thank you. This is so cute. Yes, I know. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। इस तरह पूरा टेबल गंदा करके और ऐसे फिंगर्स लिक करके और सब कुछ गिराते हुए खाना खाने से ना एक तो हेल्थ भी अच्छी होती है और खाने का टेस्ट भी बढ़ जाता है। ट्रस्ट मी, पूरी दुनिया भुलाकर सिर्फ और सिर्फ खाने पे फोकस कीजिए। ओके, राइट। तो स्लाइस लीजिए और इस तरह से जैम लगाइए। राइट, सुभान अल्लाह, हाथ पे लगे हुए जैम को चाटने का मजा ही कुछ और है मिस्टर खान। राइट, और फिर एक बड़ा सा बाइट लीजिए। अरे ऐसे नहीं मिस्टर खान, हाथ से उठाइए, चलिए जल्दी कीजिए। गुड, अब ये लीजिए जैम, जैम लगाइए। नाइफ? नहीं नहीं, इसी से लगाना पड़ेगा आपको। जोया तरीके से खाना है, सलीके से नहीं खाना है। चलिए क्या देख रही हूँ मैं फारूकी? मैं ये देख रही हूँ मिस्टर खान कि आपने बहुत ही स्टाइल में अपना चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन होगा नहीं आपसे। क्यों नहीं होगा मिस फारूकी? और मेरी शो आप क्या कर रही हैं मिस फारूकी? कपड़े भी चैलेंज का हिस्सा हैं मिस्टर खान,
इस तरह से सजा के नहीं रखने मिस्टर खान, जोया स्टाइल में रखने। मिस फारूक एक्चुअली क्या करूं, बचपन से मुझे आदत है जब भी मैं कपड़े देखता हूं तो मैं उन्हें सलीके से फोल्ड करके या हैंग करके रखता हूं, ऑटो पायलट है। तो ठीक है ना, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। अब चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना मिस्टर खान। इस तरह से उन्हें ऐसे मिस्टर खान, चलिए शुरू हो जाइए। मैं करता हूं। ऐसे शर्ट रखिए कि शर्ट को कहीं चोट ना लग जाए। इतने सलीके से नहीं रखनी है मिस्टर खान, ऐसे रखनी है। चलिए आप इधर आइए। मजा आ रहा है मिस्टर खान? बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है मिस फारूकी। आप इधर आइए। चलिए सॉक्स फेंकने में बहुत मजा आता है मिस्टर खान। फारूकी ये ऐसे और ऐसे फेंकिए, लीजिए ये फेंकिए, फेंकिए फेंकिए, ये भी फेंकिए, ये भी फेंकिए। ऊपर नहीं फेंकना मिस्टर खान, नीचे फेंकिए, ये लीजिए। मिस फारूकी ये फेस टॉवल फेंकिए। वो देखिए भाभी क्या कर रही है। आज सुबह से तमाम जितने भी अखबार आए हैं, जितने खत आए हैं, कुरियर वगैरह जो भी है वो सब यहाँ लेके आओ, मुझे सब देखना है। ये भाभी क्या ढूंढ रही हैं? मालूम नहीं, लेकिन सुबह से ऐसी बौखलाई हुई हैं। भाभी क्या करनी है? वो ए रुको रुको, एक मिनट, क्या है इसमें? क्या है, कहां से लाए हो, किसने भेजा ये? चलिए ना देखते हैं। उड़द और मूंग की दालें हैं, आप ही ने तो कहा था लाने के लिए। अच्छा ये लो, लेके जाओ। क्या क्या हुआ शीरीन? कुछ नहीं, घर में जो सामान आए उस पर नजर तो रखनी पड़ती है ना, बाद में ये सारे नौकर ना गायब कर देते हैं सामान, तो मैं सोचा सब कुछ देख लो। या अल्लाह, ये देखो कैसे कैसे लापरवाह लोग पाले हुए, तंबक टोकरी वहीं छोड़ दी। अरे एक एक करके सामान लेके जाएगा क्या? मैं देखती हूँ। मजाक है, किसने किया? साहब ये टोकरी अपनी नहीं है। अरे अगर ये टोकरी अपनी नहीं है तो यहाँ पर आई कैसे? ये किस तरह के बहाने बना रहे हैं आप लोग? ध्यान नहीं रखना चाहिए ऐसे कोई भी आएगा। आप लोग किसी चीज में ध्यान नहीं देते हो। रेहानी अपनी नहीं है, कोई बाहर का इंसान आके यहाँ छोड़ के चला गया, आप लोग का ध्यान नहीं है। राशिद आप रहने दीजिए ना। डर गई ना, तुम्हारे लिए तोहफा ढूंढने में वक्त लग रहा है। खैर वादा किया था तो निभाना तो था ही, धमाका तो हो गया। भी आ जाएगा, इत्मीनान से इंतजार करो और मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में ये इत्मीनान के आखिरी पल हैं। अरे जल्दी से ये साफ करो, किस कंपकत ने ऐसा मजाक किया है, जल्दी करो। पहने दीजिए। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर खान? रूम इतना साफ कैसे हो गया? क्या डील हुई?
गलती थी हमारी कि हम रूम को गंदा करके रखेंगे। सुबह मैंने कितनी मेहनत से आपका रूम गंदा करवाया था मिस्टर खान। मिस फारूक की एक्चुअली क्या हुआ कि वो जो कपड़े फ्लोर पे पड़े थे, मेरा पैर उन पर लग गया और मैं फिसल गया और स्लिप होके मैं गिर गया। और मैं जानता हूँ कि मेरी सेफ्टी आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, तो अपनी सेफ्टी के लिए मैंने वो कपड़े उठा लिए और अंदर रखे। ऐसे कितना टाइम लगा आपको ये बहाना सोचने में? इट्स ओके। वेल, अब टाइम हो रहा है लेसन नंबर टू का। वेट, अम्मी आप यहाँ? हाँ, मैं वो क्या है ना, खाना शुरू हो गया। हाँ, पता है पनीर के पकोड़े कहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बुला लेती हूँ। हाँ, चलो जल्दी चलो। अम्मी वो फरहान एक कॉल करने नीचे गए हैं, तो उनके लौटते ही मैं उनके साथ आ जाऊंगी, आप चलिए ना। हाँ मैं चलती हूँ, जाके ना पनीर के पकौड़े रखती हूँ, जल्दी आ जाओ। कहाँ रख दी मैंने घड़ी? उमेरा बेगम, क्या जासूसी कर रही हैं आप मेरे पीछे पीछे? मैं कोई जासूसी नहीं कर रही हूं। मेरे कमर में क्या कर रही हैं आप? वो मैं ऐसी आई थी, खुद को तो कुछ मिलता नहीं है, मुझे क्या मिलेगा, ढूंढते रह जाते हमेशा। आपको कैसे पता मैं कुछ ढूंढ रहा हूं? मैं आपके बारे में वो भी जानती हूँ जो आप खुद नहीं जानते। अम्मी रात को काला चश्मा और टोपी उतारिए ना प्लीज। हाँ रात हो गई है। अम्मी टोपी उतार रही हूँ ना। सर एक गेस्ट ने आपके लिए गिफ्ट छोड़ा है। कौन लेकर आया? सॉरी सर, वो उन्होंने बताने से मना किया है, आप खुद ही इसे खोलकर देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे सर। नहीं मैंने ये सरप्राइज प्लान नहीं किया है, शायद तुम्हारा कोई सीक्रेट एडमायरर होगा। ऐसे यहाँ कौन सा सीक्रेट एडमायरर? हाँ क्या बात है इमरान, सालगिरह मेरी आने वाली और
और तोहफे तुम्हें मिल रहे हैं। आई डोंट नो भाईजान, पता नहीं कौन दे गया। इमरान खोलो भी है, बहुत बेचैनी हो रही है, इसमें है क्या? खोलो बेटा। माशाल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। लगता है आपकी सीक्रेट एडमायरर को आपकी पसंद बहुत अच्छे से पता है। पहन के देखिए। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। माशाल्लाह, आपने आज अपने शौहर के लिए बिल्कुल सही शॉल खरीदा था। बड़े नसीब वाले हो जो तुम्हें ऐसी बीवी मिली। खुश रहो बेटा। ये सब क्या था? बाजी, दरअसल ऐसी शॉल मैंने भी खरीदी है, लेकिन फरान के लिए खरीदा था, तो बेटा उसे दिया क्यों नहीं? अम्मी, मैं फरान को सरप्राइज देना चाहती थी। अगर ये घर में किसी ने नहीं मंगवाया तो ये तोहफा आया कहां से? इस पे ये कार्ड भी है, और ये मुमानी आपके लिए आया है। अम्मी, मेरा धमाका तो हो गया, तोहफा भी आ जाएगा। इत्मीनान से इंतजार करो। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, उम्र ढल गई पर तोहफे देने वाले आज भी हैं। माशाल्लाह, कितना बड़ा तोहफा दिया है। मुझे नहीं पता है इसमें क्या है। और कमाल कर रहे हैं आप लोग। अरे भला मुझे क्यों कोई तोहफे भेजेगा? इसे खोलो, कवर हटाओ। फ्रिज? किसी ने रेफ्रिजरेटर भेजा है आपके लिए मुमानी। मी, कोई आपको फ्रिज क्यों भेजेगा? एक मिनट, मैं देखती हूँ उसके अंदर कुछ होगा तो। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, खुदा जाने इसके अंदर क्या होगा। तुम रुको, मैं देखती हूँ। बस बस कुछ नहीं है, पुलिस आ गई ना।
चलो जाओ। गड़े हुए मुर्दे ज्यादा दिन तक छुपे नहीं रह सकते। वो सर्द खून इंसाफ मांग रहा है। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी साजिशों और गुनाहों की सजा मिलेगी रजिया। क्यों करो क्या गलत होना। ये गाना गा रहे हैं आप? ओहो छोड़िए, ये तो मुझे भी आता है, मैं गा के सुनाती हूं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मोना मोना मोना, तुम चाहती हो कि पड़ोसियों के सामने भाईजान की रेपुटेशन खराब हो जाए? तुम चाहती हो कि लोग ये सोचें कि भाईजान तुम पे जुल्म करते हैं और तुम दिन भर घर पे बैठ के रोती रहती हो? मतलब ये कि प्लीज खुदा के लिए तुम गाना मत गाओ। तुम जब गाती हो ऐसा लगता है जैसे तुम रो रही हो। हाय बहुत ही बदतमीज हो तुम तो। बताना जरा मिस्टर खान, इतना बुरा गाती हूँ मैं? इतना बुरा भी इससे बेटर होता है जो तुमने गाया ना, उससे हजार गुना बेटर होता है। तुम तो सुर से ना कोसों दूर हो। तुम जैसे अभी देखो, अभी तुम भोपाल में बैठ के गा रही हो, यहाँ पे भाईजान के घर पे, और तुम्हारे सुर ना इंदौर में घूम रहे हैं कहीं पे। परेशान करना बंद करो, बहुत सुरीला करें। चुप कान बजाओ। ओ माय गॉड, परेशान मत करो एनोल भाईजान, अब तक निकाह हुआ नहीं है और इतनी तरफदारी है। मैंने सुना तो था कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार बहरा होता है, पहली बार देख लिया मैंने भाईजान। डोंट वरी, है वक्त बहुत जल्दी निकल जाएगा। वक्त की बात नहीं करे भाईजान तो अच्छा है, सीरियसली। क्यों? अब्बू की वजह से। पता नहीं, जब से हॉस्पिटल से आए हैं तब से अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। कहते हैं ज्यादा वक्त है नहीं उनके पास। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, फलाना ढिमकाना, सब पता नहीं ऐसी बातें कर रहे हैं। बातों का मतलब समझने का कोई इंटरेस्ट नहीं मेरा। हाँ पर मतलब ऐसी बातें अगर कोई 80 साल का बुजुर्ग करे तब समझ में आता है भाईजान। ये करे, जोया करे, तब समझ में आता है। अब्बू हमारे इतने यंग और डैशिंग से। ऑन अ सीरियस नोट भाईजान, वैसे आमतौर पे मैं ऐसी चीजों में गौर नहीं करता घर पे, लेकिन इस बार मसला थोड़ा सा काफी संजीदा लगता है। एक्सक्यूज मी। सुन लीजिए ना मिस्टर खान, क्या कह रहे थे रेहान? आज सुबह अब्बू नुसरत और मुझसे कह रहे थे कि हम सबकी जिंदगियों में एक बहुत बड़ी तब्दीली होने वाली है। और चाहे कुछ भी हो, वो तब्दीली होकर ही रहेगी। एक बहुत बड़ा फैसला लेना है उन्हें, फिर चाहे वो उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला क्यों ना हो। जो कुछ भी होगा वो हम सब की जिंदगी पे बहुत बहुत गहरा असर करेगा। पता नहीं ये सब कह रहे थे और मुझे उनकी बातें नहीं समझ में आ रही थी। डॉक्टर कहता है अटैक के बाद उनका दिल कमजोर हो गया है, लेकिन उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है नहीं, इतने पक्के और मजबूत इरादे लग रहे हैं उनके। पता नहीं क्या करने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ तो बहुत बड़ा करने वाले हैं। बीवी जी,
आपके लिए फोन। कौन है? पता नहीं, बस आपके बारे में पूछ रहा है। हेलो। तो फ्रिज में रखा हुआ तोहफा पसंद आया? सुनो, तुम चाहे जो भी हो, मुझे फोन करना बंद करो। मुझे रोकना नामुमकिन है रजिया, चाहे तुम मेरा फोन उठाओ ना उठाओ, मैं तुम्हारी बर्बादी हूँ रजिया, तुम्हारी बर्बादी। अब खुदा के लिए फोन बंद करो, और खबरदार मुझे फिर से फोन बंद करना। ये क्या बदतमीजी है रजिया भी? बदतमीजी? बदतमीजी तो तुम कर रही हो, मेरे घर के फोन से मुझे धमका रही हो। मैं नहीं, मैं जमीला अभी सिद्दकी साहब के घर पर ही हो ना? यहाँ पर कोई तो है जो मुझे फोन कर रहा है। सिद्दीकी साहब, ये हो क्या रहा है? क्या हम अपनी बेइज्जती कराने यहाँ आए हैं? रजिया, ये सब कमेटी से आई है कुछ जरूरी काम से? हाँ, हमारे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसीलिए हमने लैंडलाइन से अपनी अम्मी को फोन कर लिया। रजिया, तुम किस फोन की बात कर रही हो और ये सब हो क्या रहा है? जी, माफ कीजिएगा। अर्ज किया है? इशार, क्यों पूरे चांद की रात अंधेरी आसमान चकराया है? क्यों पूरे चांद की रात अंधेरी आसमान चकराया है? उसे खबर क्या मेरे खातिर आज चांद जमीन पे आया है। वाह 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 कतरीना वाह। आई मीन, तुम कितनी सुंदर हो, माशाल्लाह, कितनी कितनी खूबसूरत है। तुम जरा इनकी आंखें तो देखो, इसके बाल देखो और इसके होंठ तो। मेरा तुम अब तक यही हो, मुझे लगा तुम कहीं जा रही थी ना। जा रही हूं मैं, एंड आई एम सो सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आप अपने इंपॉर्टेंट काम में बिजी है, प्लीज कैरी ऑन। बाय नुसरत। अल्लाह। भाईजान, भाईजान आप क्यों उनको तंग कर रहे हैं? आपको पता है ना कि वो कितनी मुश्किल हालातों से गुजर रही है, आपको तो सब कुछ ठीक करना चाहिए ना। और आप है कि डियर नुसरत, जब अल्लाह ताला अकल बांट रहे थे ना, अगर तब तुम बिल्कुल ऐसी ऑमलेट नहीं ठूस रही होती ना, तो समझ में आता जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल सही कर। मेरा है और हुमेरा और मेरा रिश्ता जहां था, मैं इस रिश्ते को वहीं ले जा रहा हूं। और हम दोनों ये चीज जानते हैं कि हम दोनों वक्त आने पे एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।